नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, दानिश कनेरिया ने संजू सैमसन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। दानिश कनेरिया ने कहा कि अंबाती रायडू का करियर भी बीसीसीआई ने ऐसे ही खत्म किया था, संजू सैमसन का भी ऐसा ही हो रहा है। संजू सैमसन ने काफी ज्यादा रन लगाए है लेकिन फिर भी उसे मौका नहीं मिल रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बीसीसीआई है और सिलेक्शन कमिटी है, क्योंकि ये प्लेयर्स को लाइक्स और डिसलाइक्स से सिलेक्ट करते हैं, ना कि उनके परफॉर्मेंस से। बीसीसीआई के कुछ लोग काफी ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि प्लेयर्स और कितना टॉलरेट करेंगे। एज अ प्लेयर ऑलरेडी वो टॉलरेट हुए रहते हैं, जब जब उन्हें मौका मिलता है वो रन्स बनाते हैं, और इसलिए इंडिया अच्छे अच्छे प्लेयर्स को छोड़ दे रही है क्योंकि सिलेक्शन कमिटी के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे तो संजू सैमसन के फैंस के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि वो भी तो संजू सैमसन को खेलते देखना चाहते हैं। गाइस, दानिश कनेरिया के इस स्टेटमेंट पर आपके क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर टू गाइस, ऋषभ पंत ने अपने बैटिंग को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। ऋषभ पंत ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि T20 में और ODI फॉर्मेट में ओपन करना, लेकिन मैं कभी नंबर 4 पर खेलता हूँ या फिर कभी नंबर 5 पर, इसलिए गेम प्लान जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है डिफरेंट पोजीशन पर आने के वजह से। लेकिन टीम को क्या चाहिए ये भी हमें सोचना इंपॉर्टेंट है, और एज अ प्लेयर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। ODI फॉर्मेट की बात करें तो आपको ज्यादा प्रीमेरिटेट होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन T20 में ऐसा खेलना पड़ता है। ऋषभ पंत ने आगे ट्रोल को लेकर कहा कि रिकॉर्ड ये एक सिर्फ नंबर है, और वैसे भी मेरे व्हाइट बॉल के नंबर ज्यादा खराब नहीं है, और जो लोग मेरा कंपैरिजन करते हैं तो मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि कंपैरिजन का कोई भी सेंस नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ अभी 24 साल का हूँ। अगर आपको किसी के साथ मेरा कंपैरिजन करना है तो तब मैं 32 इयर्स का हो जाऊंगा, तब करना, उससे पहले कंपैरिजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। नंबर थ्री गाइस, शेन वॉटसन ने केएल राहुल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। शेन वॉटसन ने कहा कि केएल राहुल ये बेस्ट प्लेयर तभी दिखता है जब वो गेम ऑन रखता है, जब वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट के बारे में नहीं सोचता या फिर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं खेलता। केएल राहुल की बैटिंग तब अच्छी लगती है जब वो अपने प्योरली इंस्टिंक्ट पर खेलता है, बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखता है, क्योंकि केएल राहुल के पास सारे शॉट्स है क्रिकेट बुक के, किसी भी बॉलर को वो इजीली बाउंड्री या फिर सिक्स मार सकता है, वो हमेशा बॉलर के माइंड के साथ खेल सकता है। लेकिन अभी कुछ समय से केएल राहुल एक अलग माइंडसेट के साथ खेल रहा है, वो डर रहा है कि कहीं उसकी विकेट जल्दी ना गिर जाए, इसलिए उसके बैटिंग में काफी ज्यादा फर्क आया है, और मुझे लगता है कि केएल राहुल ने ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए और खुल के खेलना चाहिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।